राजस्थान के भरतपुर सांसद क्या कर रही हैं आपको देखकर यकीन नहीं होगा। इन दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में क्या है अगली रिपोर्ट पे दिखाते हैं। इस वीडियो को देखकर शायद आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। किसान परिवार की महिलाएं ही तो हैं जो खेतों में काम कर रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि खेतों में काम कर रही एक महिला सांसद हैं। जी हां, इस वीडियो में एक महिला भरतपुर की सांसद संजना जाटव हैं, तो दूसरी महिला उनकी सास हैं। हल्के क्रीम रंग की साड़ी वाली महिला कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के भरतपुर सांसद संजना जाटव हैं। अलवर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। भरतपुर सांसद संजना जाटव का खेतों में काम करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल उनकी ससुराल उपखंड के ग्राम समूची में है। इन दिनों वे अपने खेतों में सास के साथ बाजरे का चारा भरते हुए नजर आई। भरतपुर की सांसद राजनेता के तौर पर समाज और देश प्रदेश के काम करने के साथ साथ वे अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते दिखाई दे रही हैं। वे किसान परिवार की बेटी और बहू हैं और ये सब काम कई सालों से करती आ रही हैं। सांसद संजना जाटव के पति कप्तान सिंह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं, हालांकि वे वर्तमान में सांसद के पीएसओ हैं। राजस्थान के दौसा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर जमीन विवाद से परेशान एक शख्स ने खूब ड्रामा किया, पानी की टंकी पर चढ़ गया। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए। एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और बार बार जान देने की धमकी दे रहा है। शख्स के पानी की टंकी पर चढ़ने की खबर जैसे ही प्रशासन के कानों में पड़ी, हड़कंप मच गया। मौके पर फौरन प्रशासन की टीम पहुंच गई। मौके पर पहुंचे अधिकारी लगातार युवक को नीचे उतारने के लिए समझा रहे हैं, लेकिन शख्स अपनी मांग पूरी नहीं होने तक नीचे नहीं उतरने पर अड़ा रहा। ये वीडियो राजस्थान के दौसा का है। दरअसल पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। युवक जमीनी विवाद के चलते पानी की टंकी पर चढ़ा है। युवक का आरोप है कि 4 महीने पहले उसने उसकी मौसी से 35 लाख रुपए में 2 बीघा जमीन एग्रीमेंट पर खरीदी थी, लेकिन गांव के ही दूसरे पक्ष ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों ने कई बार उसके और परिजनों के साथ मारपीट की। कई बार बालाजी थाना पुलिस को मामले में लिखित में शिकायत दी गई, लेकिन बार बार शिकायत देने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि सिविल डिफेंस की टीम ने टंकी के नीचे जाल बिछा दिया है। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग राज्यों में अजगर मिलने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। राजस्थान के उदयपुर में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान के उदयपुर में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। उदयपुर के खुटवाड़ा गांव में एक मकान के पास करीब 15 फीट लंबा अजगर दिखा, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा हो गया। हालांकि जैसे ही ग्रामीणों ने अजगर को देखा, तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। अजगर मिलने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम हरकत में आई। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से अजगर को पकड़ने में सफल रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे वन विभाग के अधिकारी पहले एक बोरे से अजगर का मुंह ढंकते हैं, फिर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से अजगर का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। वन विभाग द्वारा अजगर को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर अजगर समय पर नहीं पकड़ा जाता तो वह किसी ग्रामीण के लिए भी खतरा बन सकता था, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि अजगर ने किसी जानवर को अपना शिकार बनाया है।